गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित और हमारी महिलाएं जितनी सशक्त होगी, आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ी होगी, देश उतना ही मजबूत बनेगा और विकास भी उतना ही तेज होगा। सबका साथ सबका विकास, इस ध्येय वाक्य को चरितार्थ करने के लिए नववर्ष की पूर्व संध्या पर देश के 125 करोड़ नागरिकों के लिए सरकार कुछ नई योजनाएं ला रही है। दोस्तों, स्वतंत्रता के इतने साल बाद भी देश में लाखों गरीबों के पास अपना घर नहीं है। जब अर्थव्यवस्था में कालाधन बढ़ा तो मध्यम वर्ग की पहुंच से घर भी खरीदना दूर हो गया था। गरीब, निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग के लोग घर खरीद सकें, इसके लिए सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरों में इस वर्ग को नए घर देने के लिए दो नई स्कीमें बनाई गई हैं। इसके तहत 2017 में घर बनाने के लिए 9 लाख रुपए तक के कर्ज पर ब्याज में 4% की छूट और 12 लाख रुपए तक के कर्ज पर ब्याज में 3% की छूट दी जाएगी। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांवों में बनने वाले घरों की संख्या को बढ़ा दिया है, यानी जितने घर पहले बनने वाले थे उससे 33% ज्यादा घर बनाए जाएंगे। गांवों के निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हम एक नई योजना शुरू करने जा रहे हैं। 2017 में गांव में रहने वाले जो लोग अपने घर का निर्माण करना चाहते हैं या पुराने घर में कोई विस्तार करना चाहते हैं, एक दो कमरे और बनाना चाहते हैं, ऊपर एकाध नई मंजिल बनाना चाहते हैं, उन्हें 2 लाख रुपए तक के ऋण में 3% ब्याज की छूट दी जाएगी।